अमृतपाल सिंह ने लोकसभा के सांसद के तौर पर शपथ ली, लेकिन इसी के बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट से एक पोस्ट भी किया जिसकी खूब चर्चा है। पंजाबी में की गई इस पोस्ट में अमृतपाल ने अपनी मां के उस बयान से खुद को अलग किया जिसमें उनकी मां ने कहा था कि पंजाब के युवाओं के पक्ष में बोलने से वो खालिस्तानी नहीं बन जाते। आपको अमृतपाल सिंह की मां का पूरा बयान बताएं, उससे पहले हम आपको बताते हैं कि अमृतपाल ने अपनी सोशल मीडिया पोस्ट में क्या लिखा है। अमृतपाल ने लिखा, मैंने मंच से बोलते हुए कई बार कहा कि अगर मुझे पंथ और परिवार में से किसी एक को चुनना पड़े तो मैं हमेशा पंथ को ही चुनूंगा। इस संबंध में इतिहास का ये वाक्य बहुत सटीक बैठता है जहां 14 वर्षीय बंदा सिंह बहादुर के साथ सिंहों ने उसकी जान बचाने के लिए उसकी मां को शहीद कर दिया और उसे सिख होने से अलग कर दिया और कहा कि ये मेरी मां नहीं है। बेशक ये उदाहरण इस घटना के लिए बेहद सख्त है, लेकिन सैद्धांतिक नजरिए से ये समझने के काबिल है। मैंने इसके लिए अपने परिवार को कभी नहीं डांटा। सिख राज्य पर समझौते के बारे में सोचना भी अस्वीकार्य है और उम्मीद है कि आगे ये गलती दोहराई जाएगी। चलिए अब हम आपको बताते हैं अमृतपाल की मां ने क्या कहा था। जेल में बंद नेता अमृतपाल सिंह के लोकसभा सदस्य के रूप में शपथ लेने के एक दिन बाद अमृतपाल की मां ने कहा था, पंजाब के युवाओं के पक्ष में बोलने से वो खालिस्तानी समर्थक नहीं बन जाते। वो यानी कि अमृतपाल खालिस्तानी समर्थक नहीं है। क्या पंजाब के बारे में बोलना, पंजाब के युवाओं को बचाना उन्हें खालिस्तानी समर्थक बनाता है? उन्होंने संविधान के दायरे में चुनाव लड़ा और अब उन्हें यानी खालिस्तानी समर्थक नहीं कहा जाना चाहिए। आपको बताते चले कि अमृतपाल पंजाब की खडूर साहिब सीट से लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर चुका है। अमृतपाल सिंह ने 1,97,120 वोट से फतह हासिल की। उसे कुल 4,04,430 वोट मिले। वहीं कांग्रेस के कुलबीर सिंह जीरा को 2,07,310 वोट मिले। साल 2019 के नतीजों की बात करें तो यहां कांग्रेस के जसबीर सिंह गिल को जीत हासिल हुई थी। अमृतपाल फिलहाल असम की जेल में बंद है। जेल में बंद रहते हुए उसने ये चुनाव लड़ा। वारिस पंजाब दे संगठन के मुखिया अमृतपाल को पिछले साल नेशनल सिक्योरिटी एक्ट यानी एनएसए के तहत अरेस्ट किया गया था।